मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल अब सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों का डाटाबेस नई सिरे से तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभागों को अपने यहाँ के कर्मचारियों की जन्म तिथि, नियुक्ति तारीख, खाता नंबर, आधार नंबर अपडेट करना होगा। आयुक्त कोश और लेखा ने इसके बारे में सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में जिक्र किया गया है कि IFMIS पोर्टल पर इन सरकारी कर्मचारी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। जन्मतिथि और ज्वाइनिंग डेट में बदलाव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP जारी की गई है। निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों के सर्विस कार्ड मेंटेन करने का जमा कार्यालय प्रमुख यानी DDO का है। फिलहाल रिकॉर्ड मेंटेन और अपडेट नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों को कई परेशानी होती है। डाटाबेस सही नहीं होने से वेतन भत्तों को जोड़ घटाने में दिक्कत होती है। महंगाई भत्ता वेतन वृद्धि के काम में तकनीकी परेशानी होती है। रिटायर होने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर समय पर नहीं बन पाता। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।